हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आप सभी का क्लास टेंथ की विज्ञान विषय में स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ 9 प्रकाश चल रहा है और इस पाठ में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो कि किसी गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। कोई भी गोलीय दर्पण हो, जो छोटे द्वारक का हो, द्वारक का आप समझ गए होंगे, द्वारक कैसा होता है, वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को द्वारक बोलते हैं। छोटे द्वारक का कोई गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। और इसका बच्चों एक क्वेश्चन भी बनता है, और क्वेश्चन क्या है कि मैं क्वेश्चन को भी आपको नोट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, सिद्ध करो कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण में दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। अथवा ये कैसे आ सकता है प्रश्न, सिद्ध करो कि R बराबर 2F, इस तरह से भी आ सकता है। प्रश्न का सिस्टम समझ लीजिए, R से किसको दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को, स्मॉल f से किसको दर्शाते हैं, फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी 2 गुनी है किससे, वक्रता त्रिज्या से। ये हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। तो देखो सिद्ध करते हैं इसको। इसको सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले तो हम चित्र बनाते हैं। देखो अवतल दर्पण बना रहा हूं मैं, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर बीच में मैं इसके मुख्य अक्ष खींच रहा हूँ और ये इसका ध्रुव है O, ठीक है ना। इस पर माना कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक बच्चों। यहां से ये इसका स्टूडेंट्स क्या है, वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हो आप, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। सी जो बिंदु है उसको क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र। देखो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूं। ये फोकस बिंदु हो गया और इसका वक्रता केंद्र है, और इस वक्रता केंद्र से यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींच दूँ ये, तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा। किरण का नाम रख रहा हूँ RPQ, ठीक है। अब देखो परावर्तन को ध्यान करो, किसको ध्यान करना है, परावर्तन को। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, दोनों किरणों के बीच में एक सीधी जो काल्पनिक रेखा बनती है उसको क्या बोलते हो? अभिलंब। तो ये जो सीपी रेखा है ये अभिलंब का भी काम कर रही है और इसकी वक्रता त्रिज्या का भी काम कर रही है, दोनों का काम कर रही है ना। तो अगर इसको मैं अभिलंब मानूं तो यहां पर कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। और यहां पर कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा ना भाई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण? परावर्तन कोण। तो ये चित्र ठीक से आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले, सबसे पहला काम चित्र को बनाना और उसे समझना, ठीक है ना। ये बिंदु O, और देखो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो ये है बच्चों आपतित किरण, आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण, और ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। ये सभी दर्पण संबंधी जो परिभाषाएं हमने लिखाई थी आपको, उसमें क्लियर कर दी थी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चित्र को ध्यान से चेक करो, ये चित्र हो गया। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। दिए गए या फिर आप सीधे डायरेक्ट लिखो चित्रानुसार, चित्रानुसार आरपी आपतित किरण है। ध्यान से चेक करेक्ट करते हुए नोट करेंगे भैया, आरपी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित, आपतित का मतलब आने वाली हो रही है। ये इस वाली किरण की बात कर रहा हूँ मैं, आर पी की, मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है ना। जो चित्र में दिख रहा है वही लिख रहा हूँ मैं। अब देखो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ कहाँ जा रही है बताओ? दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह PQ दिशा में गमन करती है। जा रही है कि ना जा रही? PQ दिशा में गमन करती है, ठीक है ना। जो मुख्य अक्ष को, जो मुख्य अक्ष को F बिंदु पर, F को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस, काटती है। ये काट रही है F बिंदु पर, यहाँ से इसको काटती हुई बाहर निकल रही है, ठीक है ना। F बिंदु पर काटती है। CP रेखा ढूंढो, सीपी रेखा है सी और पी, जो वक्रता त्रिज्या की तरह हमने खींची। सीपी रेखा बिंदु पी पर दर्पण पर अविलंब है, दर्पण पर अविलंब है, अतः CP इस अवतल दर्पण की
क्या हो सकती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है। जो हमको चित्र में दिख रहा है वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसलिए चित्र महत्वपूर्ण है। चित्र को ध्यान से देखो, आरपी आपतित किरण है, दर्पण पर आपतित हो रही है। दर्पण पर आपतित होने के बाद इस दर्पण से इसका परावर्तन होता है, परावर्तन होने के बाद पी क्यू दिशा में ये गमन कर जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष की किस बिंदु से काटती हुई जाती है? एफ बिंदु से काटती हुई जाती है। सी पी रेखा दर्पण पर क्या है? अविलंब है। और ये सी पी रेखा इस अवतल दर्पण के लिए किसका काम करती है बच्चों? वक्रता त्रिज्या का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पहला नियम यही तो कहता है, ठीक है ना। तो आपतन कोण कौन सा है? देखो आपतन कोण का बन रहा है, ये बन रहा। किसको इस आपतन कोण का नाम देना है हमको? क्या दे सकते हैं? कोण आर पी सी। आपतन कोण का नाम क्या हो गया? कोण आर पी सी इक्वल टू कोण पी सी एफ। क्या बोल सकते हो? कोण आर का नाम पी सी एफ नहीं, पी सी एफ नहीं, क्यू पी सी। कोण आर का नाम क्या बोल सकते हैं हम? क्यू पी सी, ठीक है, क्यू पी सी। कोण आई का नाम तो क्या हो गया? आर पी सी। और कोण आर का नाम क्या हो गया? क्यू पी सी। इनके बीच में बन रहा है आर, ठीक है ना। तो दोनों कोणन के नाम दे दिए हमने। देखो साहब आगे बढ़ते हैं, आपतित किरण। देखो चूंकि आर पी जो क्या है? एक आपतित किरण है। किसके समांतर है बच्चों? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो देखो कोण आर पी और सी और कोण पी सी एफ यूं जाए, या वाले कोण की बात कर रहा हूँ मैं और या वाले कोण की बात कर रहा हूँ। आर पी सी कोण आई है गो, पी सी एफ यानी कि यहाँ तक को कोण बन रहा है। देखो ये गया आर पी सी और एफ, आर पी सी एफ ये वाली शेप आ गई ना, आगे कि ना आ गई। तो मैं कौन कौन से कोण की बात कर रहा हूँ? ई तो आई है और ई जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण कैसे हैं बताओ? एक अंतर कोण ना है, जेड की आकृति में जो कोण बनेंगे उनते का कहें हम एकांतर कोण। और एकांतर कोण का मान सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आर पी किरण है तो बच्चों यहाँ क्या हो सकता है? कोण देखो आर पी सी इक्वल टू कोण पी सी एफ, लिख सकता हूँ पी सी एफ लिख सकते हैं ना, दोनों एकांतर कोण है, ब्रैकेट में लिख देंगे। चलो एकांतर कोण, ठीक है। यहां तक की बात है, ढंग से समझ लीजिए।
अब देखो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। चूँकि कोण आरपीसी बराबर है क्यूपीसी के और इधर कोण आरपीसी बराबर है पीसीएफ के, ये दोनों कोण आरपीसी के तो बराबर हैं, आरपीसी के बराबर ये और आरपीसी के बराबर ये, तो अगर ये दोनों आरपीसी के बराबर हैं तो पीसीएफ और क्यूपीसी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, पीसीएफ और क्यूपीसी दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो चूंकि आरपीसी इक्वल टू कोण पीसीए क्यूपीसी इक्वल टू कोण पीसीएफ, ये सब के सब कोण बराबर नहीं हो सकते क्या? भाई आरपीसी के बराबर तो ये है और आरपीसी के बराबर ये वाला कोण है, तो ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं तो ये सब के सब किसके बराबर हो सकते हैं? आरपीसी के। तो इन दोनों से मैं इस इक्वेशन को, समीकरण को लिख सकता हूँ ना, ये तीनों के तीनों कोण कैसे है गे? एक दूसरे के क्या हो गए भैया? बराबर। तो अब क्या बन गया देखो, सबके सब कोण बराबर हैं तो ये एक PCF त्रिभुज बन गया ना, PCF क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, जब सारे कोण बराबर हैं तो क्या लिखें अब यहाँ आगे? अतः त्रिभुज PCF में, अतः त्रिभुज PCF में, त्रिभुज PCF में देखो बेटा, चेक करना है PCF को, चेक करना है PF बराबर FC, PF ढूंढो, ये वाला PF और FC, ये दोनों भाई तीनों कोण बराबर है त्रिभुज के, और जब तीनों कोण बराबर हैं कोई त्रिभुज के तो उसकी भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर हो सकती हैं, भुजाएं भी कैसी हो सकती हैं? बराबर हो सकती हैं। तो PF भुजा बराबर है किसके? FC के, और PF बराबर FC है तो बच्चों दर्पण को आपने क्या माना है? छोटे द्वारक का, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, द्वारक का मतलब जो उसका परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है? छोटा है, तो P बिंदु भाई ये वाला द्वारक हो गया M और N, ये दर्पण का द्वारक हो गया, ये इतना छोटा है, ये छोटा है तो ये जो P बिंदु है इस ध्रुव के नज़दीक स्थित होगा, और जब नज़दीक स्थित होगा स्टूडेंट तो इसको हम एक सीधी लाइन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? एक सीधी लाइन मान सकते हैं ना, तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव के समीप होगा, तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव O के समीप होगा। अब P और O एक दूसरे के नज़दीक अगर हम मान लें तो ये अगर नज़दीक आ जाते हैं स्टूडेंट्स तो ये एक सीधी रेखा हो जाती है, और सीधी रेखा हो जाती है तो हम लिख सकते हैं PF बराबर OF, चेक करो PF बराबर OF, ये एक दूसरे के समीप स्थित हैं, समीप स्थित है तो इसको एक सीधी रेखा मान सकते हैं, तो ये भी एक त्रिभुज बन गया, और ये जो त्रिभुज बना है इसमें जो PF भुजा है वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? कि भाई मुख्य अक्ष पर ही तो स्थित है ये ध्रुव, ध्रुव किस पर स्थित है? मुख्य अक्ष पर ही तो है, और इस ध्रुव से ही मुख्य अक्ष निकल रहा है, तो P इसके अगर नज़दीक है तो जितनी दूर यहाँ पर F है उतनी ही दूर यहाँ पर क्या है? O है, तो ये दोनों भुजाएँ एक दूसरे के कैसी हो गई? समांतर हो गई, या समान हो गई, बराबर लंबाई की हो गई, या
एफ सी लगभग एक बराबर ओ एफ, एफ सी ढूंढो। जब ये वाली भुजा, आप लिख रहे हो ओ एफ, ये वाली भुजा ओ एफ, ये तो सीधी मान ली आपने, ठीक है ना। और पी एफ के बराबर किसको कर रहे हो आप, ओ एफ को, ओ बिंदु ये रहा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई, ठीक है ना। जब ये वाली दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, तो ये एफ बिंदु जो है अब क्या मान लिया जाएगा भाई। देखो मैं दोबारा ध्यान दिला रहा हूँ, ये सर्वांग समत्रिभुज है, कोण बराबर तो भुजा बराबर, कोण बराबर कर लिए समन के तो भुजा बराबर, और ये वाली भुजा है या के बराबर ओ एफ के। अगर ये ओ एफ और पी एफ बराबर हैं तो जो सी पी भुजा है या एफ सी जो भुजा है ये भी तो इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ई या के बराबर भाई, ई वाली भुजा या के बराबर और ई वाली भुजा या के बराबर, तो ये और ये दोनों बराबर ना हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि एफ सी लगभग बराबर, लगभग बराबर किसके, ओ एफ के। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एफ बिंदु है वो मुख्य अक्ष पर स्थित है और ओ और सी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य में। अगर ये मध्य में स्थित है तो इधर वाली ये भुजा और इधर वाली ये भुजा दोनों एक दूसरे के कैसी हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं बच्चों, बराबर हो सकती हैं, ढंग से, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, या ओ एफ बराबर, अगर मैं ओ एफ को मान निकालना चाहूं यहां से लेके और यहां तक, ये ओ सी भुजा है कि ना, ओ सी भुजा। इस भुजा में से मुझे ओ एफ का मान निकालना है, तो क्या करूं, ओ सी जो भुजा है उसमें दो का भाग दे दें, आधी रह जाएगी। तो देखो एक बटे दो ओ सी लिख सकते हैं, एक इस पूरी भुजा में से ओ एफ का अगर हमको मान निकालना है तो भाई ओ एफ है या सबरी में थे घटा दो या तो, या फिर इस सबरी की वैल्यू निकाल रहे हो और जब ये बराबर बराबर आ गई तो दो को भाग दे दो, क्योंकि दुगनी तो होगी। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ओ एफ बराबर एक बटे दो ओ सी, या फिर लिख सकते हैं हम, या ओ सी इक्वल टू, ओ सी इक्वल टू क्या हो सकता है, टू ओ एफ लिख सकते हैं ना। अब देखो चित्र में फिरते जाओ, ओ सी क्या है, ओ और सी, देखो सी पी आपने क्या मानी थी, वक्रता त्रिज्या मानी थी ना। तो किसी भी गोले के लिए आप वक्रता त्रिज्या को इस तरफ खींच दो, इस तरफ खींच दो, या यहाँ खींच दो, जहाँ भी आप खींचेंगे वहीं वो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये मैंने अगर इस साइड खींची तो वक्रता त्रिज्या थी, और अगर मैं इसको इस साइड खींच दूँ तो भी ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या ही तो होगी भाई दर्पण की, दर्पण का द्वारक छोटा है तो वक्रता त्रिज्या ओ सी। अतः अर्थात लिखो, अर्थात चित्रानुसार ओ सी बराबर वक्रता त्रिज्या, इसको किससे दर्शाओगे, आर से, और ओ एफ बराबर फोकस दूरी, ओ और एफ दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस दोनों के बीच की दूरी को फोकस ही दूरी तो कहते हैं, फोकस दूरी, इसको किससे दर्शाओगे, एफ से। अब ओ सी की जगह पे तो क्या लिख देंगे आप, आर बराबर टू एफ, सिद्ध होता है कि नहीं होता है,
अरे सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, कह सकते हैं ना कि छोटे द्वारक का जो दर्पण है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगनी होती है, लिख सकते हैं इति सिद्धम। चित्र को जितना गौर से देखोगे उतना अच्छा आपकी समझ आएगा। मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ बच्चों, देखो चित्र ध्यान से देखो, आरपी आपतित प्रकाश की किरण है जो दर्पण पर आपतित हो रही है, और दर्पण पर आपतित होने के बाद इसका परावर्तन होता है, और इसका परावर्तन होता है पीक्यू दिशा में, पीक्यू दिशा में गमन कर जाती है, और पीक्यू दिशा में जब ये गमन करती है बच्चों तो मुख्य अक्ष के एफ बिंदु से काटती हुई निकलती है, ये एफ बिंदु हो गया, ठीक है ना। आगे लिखा है यहाँ पर सीपी जो रेखा है, ये सीपी जो रेखा है ये दर्पण का क्या है, अभिलंब है। सीपी रेखा क्या है, दर्पण का अभिलंब है, ठीक है ना। और दर्पण का अभिलंब है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो गोला है इसको मैंने इस तरह से खींच दिया था तो यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या को बताता है कि नहीं बताता है, बताता है ना। और ये भी वक्रता त्रिज्या को बताता है, ये भी वक्रता त्रिज्या को बताता है, ठीक है ना। अब देखो परावर्तन का नियम लगाते हैं हम, ये अगर अभिलंब मान लिया हमने तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जब अभिलंब बन जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पर कोण भी बन जाते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो बच्चों परावर्तन का नियम यहाँ पर लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, और यही मैंने यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। अब इस आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के नाम लिख रहा हूँ मैं कोणों के, और कोणों के जो नाम लिख रहा हूँ आपतन कोण आई का नाम लिख रहे हैं, देखो कोण आर पी सी इनके बीच में तो बन रहा है, और परावर्तन कोण को नाम लिख रहा हूँ सी या क्यू पी सी लिख दो या सी पी क्यू लिख दो, क्यू पी सी इन दोनों के इन रेखान के बीच में तो बन रहा है कोण आर, ठीक है ना। अब ये जो आपतित किरण है ये किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो जो आर पी सी है, कौन आर पी सी है, ये आर पी सी इक्वल हो सकता है किसके, पी सी एफ के। ये वाली मैंने आकृति बनाई थी, आर पी सी इक्वल है किसके, पी सी एफ के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जेड की आकृति में बन रहे हैं, जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण का मान बराबर होता है, इसलिए इन दोनों को हमने बराबर में लिख दिया, ये लिख दिया पी सी एफ। अब देखो ये आर पी सी के इक्वल है और ये भी आर पी सी के इक्वल है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं ना, बराबर हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कोण आर पी सी बराबर कोण पी सी क्यू पी सी इक्वल टू कोण पी सी एफ, तीनों कोण बराबर रह गए। अब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, देखो आर पी सी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, सारे के सारे कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब सभी कोण अगर बराबर हैं तो ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गया, और ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण बराबर होते हैं उसकी भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी, पी एफ, पी एफ ये वाली भुजा किसके बराबर है, एफ सी के, इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, पी एफ किसके बराबर हो सकती है, एफ सी के, और पी एफ बराबर क्या हो सकता है, पी एफ बराबर क्या हो सकता है, ओ एफ, क्योंकि दर्पण का द्वारा कैसा मान लिया आपने, छोटा, तो ओ और पी जो दोनों बिंदु हैं वो एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हैं, तो ये इसकी सीधी रेखा बन जाएगी, तो ये पी एफ जो भुजा है ये इसके बराबर हो गई। अब देखो पी एफ भुजा इसके भी बराबर है, पी एफ भुजा इसके भी बराबर है, यानी कि ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं, तो एफ सी लगभग बराबर हो सकती है किसके, ओ एफ के, ठीक है, लिख सकते हैं ना। आप देखो यहाँ से देख लो, पी एफ एफ सी के बराबर है और पी एफ ओ एफ के बराबर है, जब ये दोनों पी एफ के बराबर हैं तो एफ सी और ओ एफ दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं, तो पी मैंने यहाँ पर लगभग का साइन लगाया, लगभग बराबर ओ एफ के। अब देखो ओ एफ बराबर, अगर मैं इस चित्र में से ओ एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओ एफ बराबर क्या हो सकता है, ये दोनों भुजाएँ बराबर हो चुकी हैं,
ओ और सी जो भुजा है उसमें दो का भाग दे दो, ओ एफ की वैल्यू निकलेगी, और वही काम मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। अब इसका बजगुणा कर दिया, ओ सी की वैल्यू इसमें से निकाली तो दो गुणा ओ एफ। चित्र में अगर हम देखें तो ओ सी, ओ और सी किसको दर्शाती है, वक्रता त्रिज्या को दर्शाती है। अभी मैंने बताया था वक्रता त्रिज्या को आप इस तरह से भी दर्शा सकते हो, वक्रता त्रिज्या को दर्शाती है। और ओ एफ किसको दर्शा रहा है, फोकस दूरी को। ओ और एफ के बीच की दूरी यानी कि दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी को दर्शा रही है। तो बच्चों इस सूत्र के अनुसार आप लिख सकते हो ना, ओ सी की जगह आर, ओ एफ की जगह एफ, तो आर बराबर टू एफ। तो ये सिद्ध होता है कि अगर दर्पण छोटे द्वारक का है तो उसकी वक्रता त्रिज्या दर्पण की फोकस दूरी की कैसी होती है, दुगनी होती है। ठीक है बच्चों, आप ढंग से एक बार इसको अपने हाथ से नोट करेंगे, लिखेंगे और चित्र को जितना गौर से देखेंगे उतनी अच्छी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।